आज का बहुचर्चित स्टॉक होने वाला है ये, और वो है हिंदुस्तान जिंक। यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है 300 के आसपास के लेवल के लिए, 284 का आप स्टॉप लॉस रखिएगा। दरअसल ओवरनाइट सिल्वर के दाम जो है उसमें अच्छी खासी तेजी देखने मिली है। हालांकि एक दिन के तेजी से हिंदुस्तान जिंक को कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि देखिए कोई भी कंपनी जो है उसको किसी भी रॉ मटेरियल का दाम या फिर फिनिश गुड के दाम में एक दिन की तेजी से कोई बड़ा फर्क पड़ता है नहीं, क्योंकि ये कंपनियां जो है अपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स पहले से बुक करके रखती हैं और साथ ही साथ अपनी पोजीशन को हेज भी करके रखती है। हाँ, नो डाउट अगर महीने दर महीने या फिर क्वार्टर एंड क्वार्टर ये दाम बढ़ेंगे तो इन कंपनियों के फाइनेंशियल पर रिफ्लेक्ट होंगे। वैसे भी अगर आप देखेंगे तो इस क्वार्टर की शुरुआत में सिल्वर के दाम जहाँ थे वहीं पहुँच चुके हैं, निश्चित तौर से रिकवरी देखने मिली है, लेकिन सेंटिमेंट्स है और सेंटिमेंट्स कहीं ना कहीं इसको ड्राइव करते हुए दिखाई देंगे। 300 के लेवल के लिए इसके लिए आपको खरीदारी करना है, 284 का स्टॉप लॉस रखिएगा। अब आज का मेरा बिकवाली का कॉल और वो है फ्यूचर्स में, और वो है डॉक्टर लाल पैथ लैब्स। यहाँ पे आपको बिकवाली करना है करीब करीब 2280 के लेवल के लिए, यानी कि 2280 के लेवल के लिए 2420 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। क्रेडिट स्विस की यहाँ पे एक रिपोर्ट आई है, अंडर परफॉर्मर की रेटिंग दी और प्राइस टारगेट देखिए 1400 रुपये का प्राइस टारगेट दिया, यानी कि मौजूदा भाव से करीब करीब 40-45% के आसपास का डाउनसाइड जो है वो इस काउंटर पे देख रहे हैं। वो आपको याद होगा इसके पहले काफ़ी सारे सेक्टर्स है जहाँ पे क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट आई थी। एक सेक्टर तो मुझे याद है, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी पे क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट आई थी और उसके बाद देखिए उन स्टॉक्स की किस तरह से धुलाई हुई थी। मुझे लगता है ये एक रीज़न जो है वो काफ़ी आज इस स्टॉक पे प्रेशर देने के लिए। इनफैक्ट सिर्फ यही नहीं, मुझे लगता है इसके चलते मेट्रोपोलिस और थायरोकेयर भी आज प्रेशर में रह सकते हैं, लेकिन डॉक्टर लाल तो श्योर शॉट प्रेशर में रहेगा। इसके लिए आपको बिकवाली करनी है यहाँ पे 2280 के लेवल के लिए 2420 का स्टॉप लॉस भी रखिएगा। कुशल, आपका फ्यूचर्स का काउंटर? बिल्कुल, तो मेरी तरफ से फ्यूचर्स का काउंटर है डिक्सन टेक्नोलॉजीज, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। दरअसल इनकी एक सब्सिडियरी है पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स, इनको PLI स्कीम के तहत 16 कंपनियों में से पहली कंपनी है जिसको डिस्बर्समेंट्स को मंजूरी मिलती हुई दिख रही है, और लगभग 53 करोड़ की डिस्बर्समेंट्स को मंजूरी मिली है। इनफैक्ट ये तो पॉजिटिव खबर है ही, साथ ही सेंटिमेंटली एक अच्छा बूस्ट भी मिल सकता है, क्योंकि कुछ खबरें ऐसी आ रही है कि गूगल जो है अपने स्मार्टफोन जो पिक्सल स्मार्टफोन्स हैं 15-20% अपना जो इनका चाइना में कुल प्रोडक्शन होता है उसको भारत में शिफ्ट करने की सोच रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो सेंटिमेंटल बड़ा बूस्ट डिक्सन टेक को भी मिल सकता है, क्योंकि डिक्सन टेक ने ऑलरेडी जो राइट्स हैं गूगल एंड्रॉयड टीवीज के लिए वो इन्होंने करार कर लिया है। सितंबर में ही इन्होंने शुरुआत में ही इस चीज़ की अनाउंसमेंट्स की थी, तो डेफिनेटली उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए डिक्सन टेक आज अच्छे फोकस में रह सकता है। तो खरीदारी कर चलिए 4621 रुपये के लक्ष्य के लिए, 4481 रुपये के आसपास की प्राइसिंग है, 3-3.5% के गेंस के साथ आप इसमें कारोबार कर सकते हैं, और 4442 ये आपका स्टॉप लॉस बनना चाहिए आज के दिन में। तो डेरिवेटिव स्पेस में फ्यूचर्स तो हो गई, अब बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है ऑप्शंस की, और यहाँ पर मैंने केमिकल स्पेस के काउंटर को चुना है। इनफैक्ट पिछले 3-4 दिनों से लगातार हम देख रहे हैं कि स्पेस में बेहद शानदार तेजी होती हुई दिख रही है, और SRF ये काउंटर अब मेरे रेडार पर आ रहा है जहाँ पर आपको फोकस रखना है। इनफैक्ट आपने दीपक नाइट्राइट, अतुल लिमिटेड, ये तमाम जितने सारे स्टॉक्स हैं केमिकल शेयर स्पेस से जुड़े हुए वो बहुत ही बेहतरीन तेजी कल के सत्र में दिखाते हुए नजर आए थे। SRF ने अब शायद चाल पकड़ती हुई नजर आई है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अच्छी तेजी बन सकती है, और ये इसलिए भी क्योंकि सबसे बड़ी कारण यही बन रही है कि यूरोप में जो केमिकल कंपनियाँ हैं उनके प्रोडक्शन काफ़ी ड्रास्टिकली गिरते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह से गैस की शॉर्टेज और इलेक्ट्रिसिटी की कीमतों में बढ़त आती हुई दिखी है। तो भारतीय कंपनियों के लिए जो केमिकल कंपनियां हैं उनके लिए बड़ा मौका बनता हुआ नजर आ रहा है, तो उस चीज़ को फंडामेंटल फैक्टर को ध्यान में रखते हुए SRF मेरे रेडार पर आया है। 2750 का कॉल ऑप्शन आपको खरीद कर चलना है, करीबन 82 रुपये की प्राइसिंग है, 95 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए, यहाँ पर 77 रुपये आपका स्टॉप लॉस बनना चाहिए। तो मेरी तरफ से ऑप्शंस में SRF। वरुण, आपने क्या लिया? देखिए कुशल, एक रिपीट कॉल है और वो है टाटा मोटर्स पे। आपको याद होगा कल भी मैंने टाटा मोटर्स का 450 का कॉल ऑप्शन में खरीदारी की सलाह दी थी, आज 460 का कॉल ऑप्शन जो है वहाँ पे आपको खरीदारी करना है, 15 रुपये के लक्ष्य के लिए 10 रुपये का स्टॉप लॉस रखना है। वैसे मेरी टीम में आप देखेंगे कभी भी रिपीट कॉल्स नहीं होते, लेकिन आज खबर ही कुछ ऐसी है कि मुझे लगा कि आज रिपीट कॉल देने का पूरा मौका है, इसके लिए मैंने टाटा मोटर्स पे यहाँ पे एक रिपीट कॉल दे रहा हूँ। खबर ये है कि चाइना में जो ऑटो सेल्स नंबर्स आए हैं उसमें अगस्त के महीने में करीब 32% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है, खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो सेल्स है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। पहले 8 महीने में अगर आप देखेंगे चाइना में करीब 1.7% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो सेल्स नंबर्स में देखी गई है। हालांकि कुछ दिनों पहले टेस्ला के नंबर्स आए थे मेरे ख्याल से, और चाइना के बाकी जो नंबर्स आए थे पैसेंजर व्हीकल्स के उसमें भी अच्छी खासी करीब 27-28% के आसपास की ग्रोथ जो है उसको दर्ज किया गया था, लेकिन अब जो कंसोलिडेटेड नंबर्स आ रहे हैं उसमें 32% के आसपास की जो बढ़ोतरी है सेल्स में दर्ज की गई है।
मेरे ख्याल से इस खबर के चलते टाटा मोटर्स का ADR भी अगर आप देखेंगे तो कल उसमें ओवरनाइट 2% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली। और हमारे मार्केट में भी वैसे कल टाटा मोटर्स में तेजी थी, लेकिन ADR की तेजी को देख के मुझे लगता है कि आज एक फॉलो अप बाइंग जो है आपको टाटा मोटर्स में देखने मिल सकती है। इसके लिए भी आपको खरीदारी करके चलना है, 460 का कॉल ऑप्शन आपको खरीद के चलना है, करीब 15 रुपये के आसपास के लक्ष्य देखने मिलेंगे, 10 रुपये का स्टॉप लॉस रखेगा। कल मैंने आपको टाटा मोटर्स का 450 का कॉल ऑप्शन दिया था और वहाँ पे भी आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली थी। तो मेरे तरफ से ऑप्शन का कॉल आप जो है वो है टाटा मोटर्स, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। चलिए अगली हमारी जो कैटेगरी है वो है टेक्निकल कैटेगरी, और टेक्निकली एक ऑलमोस्ट इसी स्पेस की कंपनी और वो है मेनन बेरिंग। ये मुझे पसंद आती है, बेसिकली मैं इस कंपनी का चार्ट निकाल के देख रहा था और चार्ट जो है इस कंपनी का काफ़ी शानदार नज़र आ रहा है। आप अगर चार्ट निकाल के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लगातार पिछले कुछ दिनों से अच्छे वॉल्यूम के साथ खरीदारी हो रही है। इनफैक्ट NSE के डेटा में चेक कर रहा था और जो पिछले 4 दिनों के वॉल्यूम है वो गजब के इस काउंटर में, तो कहीं ना कहीं स्ट्रांग हैंड्स जो है इस काउंटर में खरीदारी कर रहे हैं और चार्ट ये सुझा रहे हैं कि शायद इस काउंटर में आपको यहाँ से और भी तेज़ी देखने मिल सकती है। वैसे फंडामेंटल तो ठीक है, लेकिन टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो चार्ट्स इस काउंटर के काफ़ी मजबूत है। इसके लिए आपको खरीदारी करके चलना है, 118 के आसपास के लेवल आपको देखने मिलेंगे। स्टॉप लॉस भी काफ़ी स्ट्रिक्ट रखेगा क्योंकि पिछले कुछ दिनों में लगातार ये काउंटर चल चुका है, लेकिन मुझे लगता है अगर आज ये काउंटर गिरता भी है ना तो भी आने वाले कुछ दिनों में आपको ये स्टॉक वैसे भी तेज़ी दिखा सकता है। 110 का आज का इंट्राडे का स्टॉप लॉस रखना है, लेकिन अगर आज गिरता है तो कल फिर से कोशिश करिएगा और चार्ट्स निकाल के देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि एक लंबी तेज़ी के लिए काउंटर जो है तैयार हो रहा है। वैसे भी यहाँ से अगले 1-2 महीने जो है वो मिड कैप्स के नाम पर रहने वाले हैं और इस तरह के काउंटर जो है जिसमें इन्वेस्टर्स जो है या फिर जो ट्रेडर्स है काफ़ी एक्टिव रहते हैं वहाँ पर आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल सकती है। इसके लिए आज का मेरा काउंटर है मेनन बेरिंग, जो कि टेक्निकली मुझे काफ़ी स्ट्रांग लगता है। चलिए तो मेनन बेयरिंग टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर काफी अच्छा लग रहा है वर्ग को। चलिए मेरी तरफ से है पिक ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, यहाँ पर आपको फोकस रखना है। इनफैक्ट आज काफी सारे ब्रोकरेज हाउसेज ने यहाँ पर जितना इंश्योरेंस स्पेस पे अपने रिपोर्ट्स दर्ज की है वो काफी बड़े फोकस में रहेंगे, और यहाँ पर पर्टिकुलरली आप चार्ट स्ट्रक्चर वाइज भी देखेंगे तो कल के सत्र में काफी अच्छी स्टेबिलिटी इस काउंटर ने बनाई थी। और यहाँ पर अब JP Morgan के रिपोर्ट्स आती हुई दिख रही है और उन्होंने अपने न्यूट्रल रेटिंग तो बरकरार रखी है, हालांकि टारगेट्स रेस कर दिया, 1200 रुपए से बढ़ाकर अब 1300 रुपए के लक्ष्य ये देते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक अच्छी अपसाइड ही एक्सपेक्टेशंस है, 1240 रुपए के आसपास की प्राइसिंग है, 1300 रुपए के लक्ष्य तो बहुत ही जल्दी यहां पर आते हुए दिख सकते हैं। बट चार्ट स्ट्रक्चर वाइज यहां पर खरीदारी करके चलिए, 1240 रुपए का प्राइस अभी का है, 1286 रुपए के टारगेट रखिए, 1232 रुपए आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो चलिए हमारी तरफ से पहली चार कैटेगरीज के कॉल्स तो आपके साथ हमने शेयर कर दिए हैं, बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है फंडा पिक। तो टेक्निकल चार्ट्स पर तो हमने कॉल्स दे दिए आपको, अब अगली जो कैटेगरी है इसमें सबसे पहला जो कॉल मेरे को पसंद आ रहा है वो है भारती एयरटेल का, जहां पर हमें फोकस रखना चाहिए। दरअसल यहां पर सैटेलाइट कम्युनिकेशन को लेकर अब जितनी भी गतिविधियां हैं वो तेज होती हुई दिख रही हैं सरकार की तरफ से भी, और आगे चलकर यहां पर जो सैटेलाइट स्पेक्ट्रम एलोकेशन है वो भी बहुत ही जल्द हो सकता है, ऐसा ट्राई का डिस्कशंस आते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट ये पहले की खबर है बट कहीं ना कहीं अब इनके लिए ये बड़ा पॉजिटिव बन सकता है क्योंकि काफ़ी सारे सैटेलाइट्स जो है इन्होंने ऑलरेडी लॉन्च कर दिए हैं, इट्स जस्ट दैट कि जो कमर्शियल इसकी एप्लीकेशन है वो अभी तक शुरू होनी बाकी है, तो वो देखना होगा कि कब तक शुरू हो सकती है। फंडामेंटली कोई भी खराबी नहीं है और काउंटर बेहद मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए 770 रुपये के आसपास की प्राइसिंग वाला भारती एयरटेल आपको खरीदारी करके चलनी है, 950 रुपये का टारगेट रखिए, अगले 12 महीनों में तो ये आप कंफर्टेबली अचीव होते हुए देख सकते हैं और हो सकता है कि ये 4 डिजिट में भी जाता हुआ नजर आए। चलिए मेरे तरफ से जो फंडा पिक है वो है UTI AMC, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। कल आपको याद होगा जितने AMC काउंटर्स थे वहाँ पे वैसे भी अच्छी खासी तेजी देखने मिली थी, आज आप खरीदारी कीजिएगा 850 के लेवल के लिए, 800 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। फंडामेंटल तो अच्छा है लेकिन साथ ही साथ बाजार में अगर तेजी आती है तो इसका सीधा फायदा जो है वो AMC कंपनियों को होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है बाजार में तेजी आती है तो इनके AUM में बढ़ोतरी होती है, उसके चलते इनकी जो फी इनकम है उसमें बढ़ोतरी होती है। कल आपने देखा काफ़ी सारे AMC काउंटर जो है वहाँ पे तेजी थी और अब तो लोग मार्केट में यहाँ पे नए हाइस की बात कर रहे हैं, अगर नए हाइस की तरफ निफ्टी पहुँच रहा है तो जाहिर सी बात है AMC काउंटर्स हो गए, ब्रोकरेज हाउसेस हो गए, ये सबसे बड़े बेनिफिशरीज बन के उभर सकते हैं। इसके लिए भी UTI AMC मुझे पसंद है। हालांकि कुछ दिन पहले ये भी खबर आई थी कि टाटा कैपिटल शायद इसमें हिस्सा खरीद सकता है, हालांकि उस खबर का अब तक कोई पुष्टि नहीं हुई या फिर टाटा की तरफ से अब तक कोई बिड तो आई नहीं है UTI AMC की तरफ से, UTI AMC के लिए ये खबर तो पुरानी हो चुकी है, लेकिन AMC काउंटर जो है तमाम AMC काउंटर जो है वहाँ पे आप नज़र रखिएगा, इनमें तेज़ी ज़रूर बनेगी और साथ ही साथ ब्रोकरेज कंपनीज जो है उन पे भी नज़र रखिएगा। अगली कैटेगरी है
निवेश की कैटेगरी, और निवेश के चलते एक ऑटो एंसिलरी कंपनी कुशल आपकी स्पेस की कंपनी है बेसिकली, और वो है सोना BLW। यहाँ पे खरीदारी की मैं सलाह दे रहा हूँ, और यहाँ पे करीब 700 के आसपास के लेवल जो है आपको काउंटर दिखा सकता है। देखिए 840 के आसपास इस कंपनी का 52-day हाई था, वहां से स्टीप डिस्काउंट पे जो है ये कंपनी ट्रेड कर रही है करीब करीब 525 के लेवल के आसपास। तो वैसे तो वैल्यूएशन के लिहाज से काफी अच्छी लगती है। दूसरा, इस कंपनी के करीब मेरे ख्याल से कुशल 29-30% के आसपास के रेवेन्यू जो है वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से यानी कि ईवी से आते हैं। Q1 में 29% आया था ईवी। देखिए तो Q1 में 29% के आसपास के रेवेन्यू जो है जैसे कि कुशल बता रहे हैं वो ईवी से आए थे। अभी मैंने आपको खबर बताई कि चाइना में जिस तरह से सेल्स की ऑटो नंबर्स आए हैं उसमें ईवी का योगदान जो है वो सबसे ज्यादा है, यानी कि अब जो टाइड है वो काफी हद तक ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो ईवी के तरफ पूरे तरह से शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। वैसे भी फेस्टिव सीजन सामने है, आपको याद होगा हीरो ने भी कहा था यानी कि हीरो मोटोकॉर्प ने कि हम फेस्टिव सीजन में हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है उसको कहीं ना कहीं लॉन्च करेंगे, और इस बार आप फेस्टिव सीजन में देखेंगे ईवी की बिक्री जो है उसमें काफी बढ़ोतरी देखने मिलने वाली है, तो उसका भी फायदा होगा। इसके खरीदारी की करके चलेगा 3-4 महीनों में 700 के आसपास के लेवल जो है आपको काउंटर दिखा सकता है। डेफिनेटली, तो सोना BLW प्रिसिशन यहाँ पर नजर रखिए, यहाँ पर भी आगे चलकर काफी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है जिस तरह से फंडामेंटल फैक्टर्स वरुण ने आपके साथ डिस्कस किए। चलिए निवेश के लिहाज से मेरी तरफ से है सी इन्फो सिस्टम्स यानी कि मैप माई इंडिया। कल आप देखिए ऑलमोस्ट 3-4% की दमदार तेजी इस काउंटर में आती हुई दिखी थी, और फंडामेंटल फैक्टर अगर आप देखेंगे तो जो भी इसके जियोग्राफिकल मैप्स है वो काफी सारी गाड़ियों में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ऑटो स्पेस के लिए काफी एक और अच्छा प्ले है जहां पर आपको फोकस रखना है। तो गाड़ियों की बिक्री बढ़ेगी तो यहां पर इस काउंटर के लिए भी काफी अच्छी पॉजिटिव सेटअप बन सकता है। तो 1700 रुपए के लक्ष्य अगले एक साल के लिए आपको सी इन्फो सिस्टम्स में भी बनाकर चलने हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली कैटेगरी खबरों के दम पर, और यहां पर मैंने चुना है थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज को। अब दरअसल ओवरऑल रिपोर्ट जो है ब्रोकरेज हाउसेज की वो तो नेगेटिव है पूरे डायग्नोस्टिक स्पेस को लेकर, पर थायरोकेयर पर कुछ खबरें ऐसी आ रही है कि यहां पर जनरल अट्रैक्टिक और कैनेडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट्स बोर्ड अबूधाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी लगभग $250 मिलियन का निवेश कर सकती है एपीआई होल्डिंग्स में, जो कि पेरेंट कंपनी है फार्मेसी की जिन्होंने थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज को अक्वायर किया है। तो डेफिनेटली इसकी वजह से कहीं ना कहीं काफी अच्छी पॉजिटिविटी आपको बनती हुई दिख सकती है इस खबर के दम पर बेसिकली। तो 736 रुपए के लक्ष्य के लिए थायरोकेयर में खरीदारी करनी है, 707 रुपए का आपको उसमें स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए मेरे तरफ से खबरों वाला स्टॉक है किम्स, यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है। दरअसल कल एक ब्लॉक डील में जनरल अटलांटिक सिंगापुर ने करीब 22 लाख शेयर यहाँ बेचे, लेकिन ICICI प्रोडिशन म्यूचुअल फंड ने 20 लाख शेयर जो है 1250 के भाव पे इस कंपनी के खरीद लिए हैं। तो इस खबर के चलते आज किम्स में अच्छी खासी तेजी हो सकती है, यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा 1290 के आसपास के लेवल देखने मिलेंगे, 1215 के आसपास का आपको एक स्ट्रिक स्टॉप लॉस भी रखना है। तो चलिए खबरों के दम तक तो बता दिया है, आखिरी कैटेगरी माई चॉइस की, और तीनों की तीनों मेरे तरफ से तो खरीदारी के कॉल है। सबसे पहला कॉल है यहाँ पे शक्ति पंप्स, यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है। मुझे लगता है कुछ एग्री रिलेटेड स्टॉक्स जो है उनमें आज अच्छी खासी तेजी हो सकती है, इसके शक्ति पंप में खरीदारी कीजिएगा, 600 के आसपास के लेवल देखने मिलेंगे, 565 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। अगला काउंटर है IRB इंफ्रा, यहाँ पे आप खरीदारी करना है 245 के लक्ष्य के लिए, 230 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। अगस्त में जो टोल कलेक्शन है साल दर साल 35% बढ़ा है, और महीने दर महीने 5% बढ़ा है, उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। और आखिरी काउंटर है ग्रेफाइट, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा 415 के लेवल्स के लिए, 392 का स्टॉप लॉस रखना है। पिछले कुछ दिनों में मेटल काउंटर्स में अच्छी खासी तेजी हुई है, लेकिन HEG और ग्रेफाइट जो है वो थोड़े नहीं चले हैं, मुझे लगता है अब यहाँ तेजी हो सकती है। बिल्कुल, तो चलिए माई चॉइस कैटेगरी में मेरी तरफ से पहला कॉल है LTTS का, मिड कैप IT काउंटर्स काफी बजिंग है, अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर रहा है, 3924 का टारगेट रखिए, 3790 ये आपका स्टॉप लॉस बनना चाहिए। दूसरा कॉल है बाटा इंडिया पर, अच्छा फेस्टिव बेट हो सकता है, और वैसे भी छोटे मझोले शेयरों में आपको काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। तो 1960 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करनी है, 1880 रुपए आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस बनेगा। और आखिरी कॉल है मेरा दिग्गज पब्लिक सेक्टर बैंक SBI पर, जहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। दरअसल HSBC की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए 630 से बढ़ाकर टारगेट 680 रुपए के दे रहे हैं, तो 570 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करनी है, 548 रुपए आपको स्टॉप लॉस लगेगा। चलिए स्टॉक्स तो हमने आपको बता दिए हैं, लेकिन अगर कुछ मिस किया है तो एक बार रिकैप और बता देते हैं। कैश में खरीदारी करना है हिंदुस्तान जिंक में, सिल्वर के जो दाम बढ़े हैं उसका इंपैक्ट आपको देखने मिलेगा इंट्राडे में, फ्यूचर्स में डॉक्टर लाल में रिक्वायरी करना है, ऑप्शंस में टाटा मोटर्स का 460 का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है। टेक्निकली मैनन बेयरिंग अच्छा लगता है, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। फंडामेंटली UTI AMC, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है 850 के लेवल के लिए।
निवेश करना है सोना BLW में अगले 4 महीनों में करीब करीब 700 के आसपास के लेवल देखने मिलेंगे। खबरें टिम्स में हैं, यहाँ पे ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की तरफ से खरीदारी हुई है, उसका इंपैक्ट देखने मिलेगा। माई चॉइस में शक्ति पंप्स, IRB इंफ्रा और ग्रेफाइट में आपको करनी है खरीदारी। और आज का मेरा बेस्ट पिक है एक बिकवाली का कॉल, और वो है डॉक्टर लाल पैथ लैब्स। यहाँ पे आपको बिकवाली करके चलना है 2280 के लेवल के लिए, 2420 का स्टॉप लॉस रखना है। क्रेडिट स्विस ने यहाँ पे स्टॉक को डाउनग्रेड किया है, 1400 रुपए के आसपास के लक्ष्य दिए हैं, इसका इंपैक्ट देखने मिलेगा, इसके लिए आपको करनी है बिकवाली। चलिए आज के लिए मेरी तरफ से पहला है JK टायर, जहाँ पर खरीदारी करनी है। 4 सेक्टर बेहद मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, साथ ही डिक्सन टेक है, यहाँ पर भी खरीदारी कीजिए। इनकी जो सब्सिडियरी को पीला स्कीम डिस्पर्समेंट के लिए मंजूरी मिली है, वो काफ़ी अच्छी है। SRF का चार्ट स्ट्रक्चर बेहद मजबूत लग रहा है, केमिकल कंपनियां वैसे ही फोकस में। ICICI लोकबार्ड पर पॉजिटिव ब्रोकर्स रिपोर्ट आई है, और भारतीय एयरटेल 12 महीनों के लिए 950 के लक्ष्य के साथ चल सकते हैं। निवेश के लिहाज से आपको CE इंफोसिस्टम यानी कि मैप माई इंडिया, इसमें खरीदारी कर चलनी है। साथ ही खबरों के दम पर थायरो केयर टेक्नोलॉजीज आज फोकस में रह सकता है, और माई चेस कैटेगरी में LTTS, बाटा और साथ ही SBI में आपको खरीदारी करनी है। और इन सब में आज के लिए जो मेरा बेस्ट पिक है वो है भारतीय एयरटेल पर लॉन्ग टर्म अवधि के लिए 950 रुपए के टारगेट्स आपको यहां पर आते हुए